सो यहां पे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है हमने एग्जाम्पल। ये क्या है आपको, ये क्या है आपको, गन दिख रही है, गन टाइप की दिख रही है। अगर नहीं भी दिख रही है तो मान एज्यूम कर लीजिए कि क्या है ये, दिस इज अ गन। ओके, और ये क्या है आपको, ग्रुप है ऑफ बलून्स। आप मेले वेले भी गए होंगे, मेले में वैसा दिखता है आपको, बलून वाला दिखता है, जहां पे आप शूटिंग करते हैं। आपको क्या दिया रहता है, जो भी आपको बुलेट बोलिए या जो भी देता हो, छर्रा बोलते हैं जिसे हम लोग, वो क्या होता है, वो देगा। और वो आपके पास यहाँ पे आपको दिया है, आपको कितना दिया है, मान लेते हैं आपको सिक्स, आपके पास सिक्स बुलेट्स हैं यहाँ पे, और आप शूट कर रहे हैं बलून को, और आपको आपका टारगेट क्या है, आपको कि रेड वाला जो बलून है उसे शूट करना है। आपका क्या है टारगेट, क्या है आपका कि आपको जो रेड बलून है इसे शूट करना है। ओके, तो यहां पे क्या है, अगर मैं यहां पे इवेंट ए लिखूं तो क्या होगा वो, अगर इसी को लिख लेते हैं ना, ए इज शूटिंग अ बलून, रेड बलून। अगर मैं समझ नहीं ना, आप क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, मैं उसको वर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा हर चीज को एक्सप्लेन करना वर्ड फॉर्म में। तो ये आपका बलून बंच है, आपने मेला में देखा होगा बहुत सारे अलग 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 कलर के बलून रहते हैं। तो आपने, आपके दोस्त ने कहा कि आपको कि रेड वाले बलून को आपको शूट करना है, और आपको उसके लिए आपको यहाँ पे सिक्स बुलेट्स मिलेगी, यहाँ पे सिक्स बुलेट्स मिलेंगी। तो अब आप शूट कर रहे हो इसको, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे शूटिंग दिस रेड बलून ऑन फिफ्थ ट्रायल। आपका सक्सेस कब होना चाहिए, फिफ्थ ट्रायल में। अब यहां पे एक और दो केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस जो है वो क्या है आपका, केस वन, केस वन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये बलून है ग्रुप, उसमें रेड बलून है, उसे हम लोग शूट करना है गन से शूट करना है, और उसमें आपका जो फिफ्थ, एग्जैक्टली फिफ्थ ट्रायल में वो बलून फूटना चाहिए, वो बलून फूटना चाहिए। और यहां पे केस वन ये क्या है, केस वन है कि आपका जो सिक्स बुलेट है आप मार दिए। अब वो जो बुलेट है वो आप वापस से, दो केस आएगा, एक हम लोग पढ़े हैं रिप्लेसमेंट एंड विथआउट रिप्लेसमेंट वाला, रिप्लेसमेंट एंड विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस पढ़ते थे। तो विथआउट रिप्लेसमेंट दो केस आता था हमारा, तो हम लोग एक केस, पहला केस हम लोग ले रहे हैं, उसमें हम लोग ले रहे हैं कि विथआउट रिप्लेसमेंट है, विथआउट रिप्लेसमेंट है। तो विथआउट रिप्लेसमेंट मतलब आप पहली बार उस बलून को हिट करोगे इस सिक्स बुलेट से, तो क्या आएगा यहां पे इस टारगेट में, या तो हिट होगा या तो नहीं होगा, यही केस होगा, और तो केस होगा नहीं। तो यहां पे अगर आप विथआउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हो तो क्या मतलब है, आपने एक बुलेट से मारा उसको, अगर वो नहीं लगा तो क्या होगा, वो आपका बुलेट वेस्ट हो गया। अगर मैं यहां पे विथ रिप्लेसमेंट बोलूंगा तो क्या होगा कि आपका जो बुलेट मारा है, आपने मारा उस बुलेट को, गन से मारा आपने उस बलून को, अगर उस टारगेट में हिट नहीं किया, मतलब अगर ये रेड वाला टारगेट में हिट नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हो, उस बुलेट को वापस अपने पास ला रहे हो, तो आपके पास वापस से क्या हो जाएंगे, सिक्स बुलेट हो जाएंगे। फिर आप एक ट्राई ले रहे हो और वो बुलेट अगर नहीं लग रहा तो वापस से आप अपने पास रख ले रहे हो, तो आपके पास टोटल सिक्स बुलेट ही रहेंगे हमेशा, अगर आप रिप्लेसमेंट वाला केस लेते हैं। अभी हमने कौन सा केस लिया है, विथआउट रिप्लेस। तो विथआउट रिप्लेसमेंट में क्या है, अगर आपने एक बार मारा और वो वेस्ट हो गया तो आपके पास टोटल कितने बचे, फाइव, और एक बार मारा तो क्या बचे, फोर, क्योंकि आपका लग नहीं रहा है। आपका लगना कहां पे चाहिए, सीधा फिफ्थ ट्रायल में आपका लगना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसमें से एक केस हो गया, या तो फर्स्ट में भी लग सकता है, सेकंड में भी केस लग सकता है, थर्ड ट्रायल में भी लग सकता है, फोर्थ में भी लग सकता है, फिफ्थ में भी लग सकता है, सिक्स्थ में भी लग सकता है, या फिर किसी में भी नहीं लग सकता, ये भी तो केस आ सकता है। तो हमें क्या करना है, उसमें से कोई एक केस है जिसमें कि आप फिफ्थ ट्रायल में आपका ये हिट कर रहा है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे देखेंगे कि ये फिफ्थ ट्रायल, इसमें क्या होगा, पी ऑफ विथआउट रिप्लेसमेंट वाले में पी ऑफ, यहां पे क्या होगा, जब आप फर्स्ट ट्रायल ले रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल शूटिंग, जो शूटिंग आप यहां पे इवेंट शूटिंग बलून ले लीजिए, तो अगर फिफ्थ ट्रायल में आपका आना चाहिए तो आपका क्या होगा, फर्स्ट ट्रायल में आप जब शूट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम में आपका टारगेट में ये नहीं लगना चाहिए, रेड बॉल में, रेड बॉल में ये टारगेट में
नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ए का ए वन का कॉम्प्लीमेंट वन मतलब फर्स्ट टाइम में हमने इसको शूट किया तो ये हमारा मिस हो गया, तो इसलिए मैंने ए वन का कॉम्प्लीमेंट लिया यहां पे, तो ए वन का कॉम्प्लीमेंट आ गया मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे अगर आप ये देखोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, ये क्या आएगा ए वन कॉम्प्लीमेंट और क्या आएगा ए टू कॉम्प्लीमेंट, ए थ्री कॉम्प्लीमेंट, ए फोर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में ए फाइव में आपका क्या होना चाहिए, ये हिट कर जाना चाहिए टारगेट में रेड वाले, तो उसके लिए क्या होगी, मैं यही लिख सकता हूं ना, ये ए वन कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, फर्स्ट ट्रायल में आपका हिट नहीं किया, इंटरसेक्शन विथ ए टू का कॉम्प्लीमेंट, ए टू का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आपका सेकेंड ट्रायल में भी हिट नहीं किया, थर्ड में भी हिट नहीं किया, फोर्थ में भी हिट नहीं किया, लेकिन ये फिफ्थ में क्या लिखा है, मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, मतलब फिफ्थ ट्रायल में आपका हिट कर गया। सो यहां पे हमारे पास दो केस आएंगे, इसके बाद ये तो होगा ही क्योंकि फिफ्थ ट्रायल की प्रोबेबिलिटी मतलब यही होगी हमारी, तो अगर ये विथआउट रिप्लेसमेंट है तो जब विथआउट रिप्लेसमेंट आएगा तो मतलब आपकी क्या हो रही है, ये ए वन निकालूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, तो क्या आएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी वन ऑफ ए वन का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विथ, ये क्या होगी, जब भी आपका जो विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस आएगा तो यहां पे आपका ना विथआउट रिप्लेसमेंट के केस में आपका हमेशा ये डिपेंडेंट बनेगा, डिपेंडेंट इवेंट बनेगा, वो देखेंगे कैसे डिपेंडेंट इवेंट बनेगा, एक बार देख लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट क्यों बनेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट क्यों बनेगा, क्योंकि आपका पी ऑफ ए वन मतलब फर्स्ट टारगेट आप हिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो सेकेंड सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अब आपके पास नेक्स्ट टाइम में बुलेट क्या बचेगी, आपने फर्स्ट टारगेट मिस कर दिया, ए वन आपका मिस हो गया, तो आपका सेकेंड टाइम में जब आप हिट करने जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकेंड टाइम में आपका वो हिट कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6 कि फर्स्ट टाइम में आपकी हिट कर जाए, सिमिलरली सेकेंड टाइम में हिट कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्या होगी 1/5, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आपके पास बुलेट कितने हैं, 5 ही हैं और उनमें से आपको हिट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1/5, ओके 1/5। और यहां पे लास्ट में एक चीज मैं आपको यहां पे स्टार्टिंग में बोला था जो मैंने मिस्टेक हो गया था मुझसे कि आपकी 1/6 तक, इसमें जब भी 1/6 बुलेट लोगे एक ना एक बार तो आपका टारगेट हिट करना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये केस नहीं है, कि ये लास्ट जो केस मैंने बोला था कि 6 बुलेट मारने के बाद भी आपका टारगेट हिट ना करे, वो वाला केस इसमें मैंने क्वेश्चन में नहीं लिया, अभी क्वेश्चन जो हमने डिफाइन किया था उसमें वो वाला केस नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, ओके। सो मैंने ये केस लिया है कि 6 इस 6 बुलेट में से किसी ना किसी एक बुलेट से ये आपका रेड बलून फूटना ही चाहिए, तभी तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/6 ईच बुलेट के लिए क्या आएगी 1/6। सिमिलरली एक बुलेट आपका वेस्ट हो गया तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि आपका ए टू में जब सेकेंड ट्रायल में आपका बुलेट हिट कर जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/5 ईच बुलेट की, वही आएगी ना 1/5। तो अभी हमें क्या लेना है कि ए टू कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड में भी हिट नहीं किया तो अब क्या बचेगा, सिर्फ 4 ही बुलेट बचेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप यहां हिट कर जाए, कौन से ट्रायल में, थर्ड ट्रायल में, तो वो कितना होगा 1/4। तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं, उसको हम लोग इस प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ये, एक और चीज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब बाकी चीजें समझ लेते हैं, हम लोग ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग समझने के लिए, हमें क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था, मैं क्या करता हूं, मैं गेट का क्वेश्चन लेता, गेट का क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो यहां पे विथआउट रिप्लेसमेंट में आपका डिपेंडेंट इवेंट आएगा और जब भी डिपेंडेंट इवेंट होता है तो आपकी क्या लगती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब भी आपका इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो आपकी क्या लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ तो जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर लेंगे वो हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, क्यों, क्योंकि हर बार चेंज आ रहा है आपका। सो यहां पे हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस इंटरसेक्शन को पी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन सारे इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ऑफ ए वन का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ए टू का कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए वन कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड, मतलब आप ना यहां पे क्या निकाल रहे हो, ये क्या है,
मिसिंग द टारगेट इन द फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड क्या है मिसिंग द टारगेट इन द सेकेंड ट्रायल when we missed ऑलरेडी इन द फर्स्ट। यहां पे क्या है A1 कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपका पहले में मिस हो गया, अब आप सेकेंड ट्रायल में मिस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो जब आपका पहले टारगेट में पहले ही मिस हो चुका है। ओके और तो इसके बाद क्या होगा पी ऑफ, ये आपको समझना है कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। ये A3 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, A3 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम लोग थर्ड ट्रायल में मिस होने की प्रोबेबिलिटी। उससे पहले कौन कौन से इवेंट हो चुके हैं, A1 भी मिस हो चुका है और क्या है आपका A2 भी मिस हो चुका है, A1 भी मिस हो चुका है और A2 भी मिस हो चुका है, और बोल रहा हूं A1 और ये भी A2, A1 भी मिस हो गया और A2 भी मिस हो गया, तो यहां पे ये हो गया है इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ A4 का कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय इन सब का, A1 मिस हो गया, A2 भी मिस हो गया, A3 भी मिस हो गया, उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं मिसिंग A4 के लिए। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके बाद कि हमारा A5 में मतलब फिफ्थ ट्रायल में हमारा टारगेट हिट कर जाना चाहिए, टारगेट हिट कर जाना चाहिए। तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या है, A1 मिस हो गया, A2 मिस हो गया, A3 मिस हो गया और ये A4 भी आपका मिस, तो A4 भी मिस हो जाएगा, A1 भी मिस, A2 भी मिस, A3 भी मिस और A4 भी मिस, तो यहां पे आपका A5, तो यहां पे A5 फिफ्थ ट्रायल में आपका टारगेट हिट कर जाना चाहिए। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी पी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी, यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी, A1 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है, तो A1 की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/1/6 यही होगी। तो सिमिलरली सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका A2 कॉम्प्लीमेंट व्हेन A1 हैज A1 कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड, तो अब यहां पे क्या कितनी बुलेट्स हैं, पांच ही हैं हमारे पास, तो पांच में से हम लोग क्या करेंगे सेकेंड ट्रायल में हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5, हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, सो हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-1/5 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे क्या होगा A3 व्हेन A1 एंड A2 आर मिस्ड, मतलब A1 A2 मिस्ड हो गया तो आपके पास बुलेट कितने हैं चार ही हैं, तो चार में से आप थर्ड ट्रायल में हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, तो 1/4 होगी, तो उसको मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-1/4, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/1/3 अब इसके बाद क्या आएगा, ये क्या हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फिफ्थ ट्रायल में क्या होगा आपका, जब फिफ्थ ट्रायल निकालेंगे तो फिफ्थ ट्रायल में आपका आएगा कि आपने सक्सेस, इसमें क्या है फिफ्थ ट्रायल में आपने सक्सेस पा लिया है मतलब हिट कर दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हिटिंग द टारगेट क्या होगा, आपके पास यहां पे कितने बुलेट बचे हैं, अब चार आपने मिस कर दिए तो दो ही बचे हैं तो दो ही बचे हैं, तो दोनों में से अब क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक से बुलेट से वो बैलून क्या हो जाएगा फूट जाएगा, यही हमने बोला था कि छह में से किसी एक बैलून से ये बैलून, छह बुलेट से ये बैलून फूटना ही चाहिए, तो यहां पे दो बचे हैं तो दोनों में से एक से तो फूटना ही है, तो उससे क्या होगा, और हमारे पास क्वेश्चन में भी हमारे क्या बोला है फिफ्थ टाइम में हमारा ट्रायल में प्रोबेबिलिटी इसी निकालनी है कि फिफ्थ ट्रायल में वो बैलून हिट कर जाए, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 1/2, क्योंकि 2 में से 1 में हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसके लिए। तो ये हमने क्या लगाया है, हमने क्या लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई है, हमने क्या लगाया है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ a बाय b वाला प्रोबेबिलिटी देखा था ना हमने, तो क्या हो रहा था a बाय b मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b हैज अकर्ड ऑलरेडी, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, तो इसका जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा आपका, ये तो 1/2 ही है, तो इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो बचेगा क्या आपका लास्ट में 1/6 ही आएगा आंसर,
वन अपॉन सिक्स आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ऑन द फिफ्थ ट्रायल। ओके, सो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं, इसके बाद सेकेंड वाला जो आएगा पार्ट उसमें क्या आएगा, सेकेंड में हम लोग बोलेंगे कि विथ रिप्लेसमेंट, सेकेंड केस क्या आएगा हमारा विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि इस केस को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट बोलेंगे, विथ रिप्लेसमेंट हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि आपका टारगेट आपने बुलेट, ये मैंने गन लिया, ये मैंने बलून को मारने की कोशिश की, मैंने यहां पे मिस कर दिया, तो मिस कर दिया तो जो बुलेट है वो बुलेट मैं वापस अपने पास ले आया, तो जब मैं अगली बार इस टारगेट को मारूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सक्सेस होगा, वो सेम ही रहेगा। उसमें क्या आएगा, कोई चेंज आएगा क्या, क्या डिपेंड कर रहा है क्या मैं पहली बार मिस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं वापस से उस बुलेट को अपने पास ले आ रहा हूं, वापस से मैं उस बुलेट को ले आ रहा हूं, तो मेरे फर्स्ट ट्रायल में उसका रिजल्ट कुछ भी आया हो फर्स्ट ट्रायल का, मुझे जब सेकेंड ट्रायल की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो उसमें कुछ भी उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन फिफ्थ ट्रायल, हिटिंग ऑन फिफ्थ ट्रायल, हिटिंग किसको, रेड बलून को, फिफ्थ ट्रायल में हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ ए वन कॉम्प्लीमेंट, यहां ये तो यही रहेगा, फर्स्ट में हिट नहीं करना है, सेकंड में नहीं करना है, थर्ड में नहीं करना है, फोर्थ में नहीं करना है और फिफ्थ में जाके आपका हो जाएगा हिट। सो ये सारे इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब हमने क्या बोला था कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमने दो के लिए बोला था, अगर मैं ए बी और सी डी ई एफ जी है जो भी लेता हूं तो क्या होगा, ए बी सी डी अगर चारों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपके ए ए बार बी बार आप किसी में भी बार लगा दीजिए और सी डी ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ए बार बी बार और सी बार डी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार बी बार सी बार डी बार ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मैं यहां से एक बार हटा देता हूं तो ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, अगर ऐसे कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ए बी सी डी को अगर इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं तो इनके सारे कॉम्बिनेशन भी आपके इंडिपेंडेंट ही आएंगे। ओके, तो यहां से ये भी आपका क्या होगा, सब इंडिपेंडेंट होंगे, ए वन का बार ए टू कॉम्प्लीमेंट, ए थ्री कॉम्प्लीमेंट, ए फोर कॉम्प्लीमेंट एंड ए फाइव क्या होंगे, सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी इंडिपेंडेंट होगा तो जब भी इंटरसेक्शन होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, जब ओनली इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो यहां पे हमारा आ गया पी ऑफ ए थ्री कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए फोर कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए फाइव। क्यों, क्योंकि उसमें बार क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे हमारा टारगेट फिफ्थ में हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सो इसके आंसर क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय सिक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बुलेट हमारे पास ऑलवेज सिक्स ही है, वो कम नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास विथ रिप्लेसमेंट वाला केस कंसिडर किया है हमने, तो ये भी वन माइनस सिक्स, ये भी वन माइनस सिक्स, तो और ये कितना होगा फिफ्थ में हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वन बाय सिक्स, तो ये सिर्फ वन बाय सिक्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये फाइव बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, फाइव बाय सिक्स, तो ये हो गया फाइव बाय सिक्स टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड विद वन बाय सिक्स, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमारे पास ये हमारा आंसर आया इसके सेकेंड केस में। तो हमने इसमें क्या किया, हमारा शुरुआत से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ब्रीफली। सो हमने ये गन था, गन से हमने हमारे पास सिक्स बुलेट दी हुई थी और उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि उन सिक्स बुलेट से ये वाला एक जो रेड बलून है ये आपका हिट करना है और वो इन सिक्स बुलेट से हिट होगा ही, किसी ना किसी एक बुलेट से वो हिट होगा ही। सो यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो जो बुलेट है वो आपका फिफ्थ बुलेट ही हो, मतलब जो फिफ्थ ट्रायल हो उसी में आपका हिट करे, फिफ्थ बुलेट ही आपका हिट करे। सो यहां पे अगर हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिफ्थ टारगेट, मतलब फिफ्थ ट्रायल में होने के लिए, तो मतलब फर्स्ट ट्रायल में नहीं होना चाहिए, सेकंड ट्रायल में नहीं होना चाहिए, थर्ड में भी नहीं होना चाहिए, फोर्थ में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिफ्थ में होना चाहिए। तो हमने सबका इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। सो
हो, ये भी बोल रहा हूं मतलब यहां पे क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, भी मतलब एंड आ रहा है, सो यहां पे सब इंटरसेक्शन होंगे। सो हमने इसमें केस में डिफाइन किया था, दो केस लिया था कि हमारा जो बुलेट है वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं या फिर नहीं रिप्लेस करते, मतलब अगर टारगेट मिस हो गया तो वो बुलेट वेस्ट हो जाएगा या फिर वो बुलेट वापस से हम लोग लाके उसको यूज कर सकते हैं। तो दो केस क्या हो गया, विथआउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। जब भी आपका विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस आएगा तो वहां पे आपको उसको डिपेंडेंट इवेंट होता है, जब भी विथआउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट, क्योंकि आपका क्या हो रहा है एक बुलेट लॉस हो गया तो आपका पांच ही बुलेट बचे, तो पांच ही बुलेट बचे तो इसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, क्यों किस प्रायोरिटी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट ट्रायल में आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट ट्रायल में क्या हो रहा है उससे आपका डिपेंड कर रहा है सेकेंड ट्रायल, और थर्ड ट्रायल डिपेंड कर रहा है सेकेंड ट्रायल पे और फर्स्ट ट्रायल पे, बोथ पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट टारगेट में ही अगर फर्स्ट बार में ही उसको हिट कर दिया तो मैं जब सेकेंड टाइम निकालूंगा तो क्या होगा, सेकेंड टाइम में तो ये बलून ही नहीं रहेगा, मैं इसको फोड़ दिया फर्स्ट टाइम में तो सेकेंड टाइम में तो बलून ही नहीं रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सेकेंड टाइम में बुलेट रेड बलून को हिट करने की। सो वो क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है हमारा फर्स्ट पे, तो इसीलिए हम लोग यहां क्या बोल रहे हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, हर बार इसकी बुलेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पे पांच है, यहां पे चार है, उसके बाद फोर्थ ट्रायल में तीन हो जाएगा और फिफ्थ ट्रायल में सिर्फ दो ही बचेगा और उन दोनों में से एक हमने निकालना है। तो उसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा ऐसे, इसको कैसे लिखा ऐसे, जब आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहता है किसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो हमने क्या देखा था, उसको क्या लिख सकते थे, P of A multiplied with P of B by A, इसको ऐसा लिख सकते थे हम लोग। तो वही हमने लिखा है P of, इसमें दो ही इवेंट थे, यहां पे पांच इवेंट थे, तो उसके क्या होगा, ये होगा इनटू ये आएगा, ये इसमें P of A2 bar divided by P of A1 bar when A1 has occurred, यहां पे क्या होगा P of A3 bar when A1 has occurred and A2 has occurred एंड ए टू। तो मैंने यहां पे शायद यूनियन लिखा था, ये आपको यूनियन नहीं होगा, यहां पे क्या है ए वन एंड ए टू बोथ, ये दोनों इवेंट आपके क्या हो रहे हैं, दोनों ही इवेंट ओकर हो रहे हैं, तो यहां पे इंटरसेक्शन आएगा और यहां पे भी इंटरसेक्शन आएगा यहां पे, ये हमने यूनियन लिखा था, ये तो ये यूनियन हमारा गलत हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि हमने यहीं से प्रोबेबिलिटी निकाली थी। सो यहां पे आप इंटरसेक्शन कर लेना इसको, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1/6, 1/5, 1/4 इज ये हिटिंग द टारगेट की, हमें क्या चाहिए थी नॉट हिटिंग द टारगेट, तो हमने 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस कर दिया, यहां पे 1/2 किया क्योंकि हमें यहां पे फिफ्थ में हिटिंग द टारगेट चाहिए था। सिमिलरली हमने यहां पे विथ रिप्लेसमेंट लिया, तो विथ रिप्लेसमेंट होगा तो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में क्या हो रहा है उससे हमें सेकेंड ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और थर्ड ट्रायल जब हम लोग निकालेंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट ट्रायल में क्या हो रहा है और सेकंड ट्रायल में क्या हो रहा है। सिमिलरली वैसे ही हो गया, तो हमने 1 माइनस 1/6 1/6 1/6 क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, तो नॉट हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये चार बार 1 माइनस 1/6 आया और इसलिए हमने क्या लिखा, ये कितना हो गया 5/6, तो इसी का हमने टू द पावर 4 कर दिया मल्टीप्लाइड विथ फिफ्थ टारगेट में आपका प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 1/6, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया फॉर विथ रिप्लेसमेंट का, और जो ये आंसर आ जाएगा वो विथआउट रिप्लेसमेंट का। ओके okay?